सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर आपके अपने शहर में आ गया है। नीतीश इंजीनियरिंग वर्कर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नीतीश इंजीनियरिंग वर्कर के द्वारा मजबूत भवन, अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण और अच्छे पार्किंग की भी व्यवस्था अवेलेबल है। तो आज ही जुड़े नीतीश वर्कर से और अपने सपनों को पूरा करें। चार तारीख को जो घटना हुआ है तो उसमें FIR में जो नाम आया है राहुल कुमार सिंह का, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सब गलत है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। मेरा लड़का नहीं है उसमें, है ये नहीं, यहाँ नहीं है, उसको गलत फंसाया गया है। तो किसी से दुश्मनी है कि फंसाया जा रहा है कि पहले से कुछ आपराधिक छवि किस्म के आपके लड़के हैं? मेरा लड़का खिलाड़ी है, बुशू का नेशनल खिलाड़ी है, वो नेशनल जीता है, उसको शुरू से ही फंसाया जा रहा है। वो मेरा लड़का इस टाइप का नहीं है, उसको सब केस में, इसके पहले भी महाराजगंज में कांड हुआ था उसमें उसको फंसाया गया था। वो बंगलोर में था, दो भाई बंगलोर में थे, वहाँ पर खेला सीख रहे थे, वहाँ से एक लड़का को पकड़ कर लाया गया, बोला गया कि सिकटिया से पकड़े हैं, उसका नाम उसमें नहीं दिया गया, और दूसरे लड़का बड़ा लड़का का नाम उस मर्डर में दे दिया गया, जो कि बंगलोर में वहाँ पर BDO वहाँ के अथी मॉल का है, जो मॉल में सामान वामान खरीद रहे थे वो लोग, वहाँ जो घूमे हैं उस दिन, मतदार तो आप जिले के वरीय अधिकारी माननीय DM साहब से और SP महोदय से क्या मांग करना चाहेंगे? कि इसमें हम लोग को, मेरा लड़का को बचाया जाए, हम लोग को बचाया जाए, जो सही हो, मेरा ही लड़का क्यों ना हो, वो यदि गलती किया हो तो इसको सजा दिया जाए, नहीं तो यहाँ पे जो महाराजगंज में ये सब कांड हुआ तो अपना बाद में मैंने आई सब दुश्मन नहीं में लोग फंसा दे, कहीं कुछ होता फंसा देता लड़का, लड़का निर्दोष है। तो काम मांग करेगा चाहे SP साहब से, SP साहब से या DM साहब से मिलती है कि हमारा लड़का को मैंने गलत हो तो निकाल दी, मैंने साँच हो तो मैंने रखी है, गलत हो तो बाहर कर दी, तो मैंने फंसावल जाता क्यों के? हाँ सब फंसावल जाता है। केकरा पर वो शक भावे? ये जमीनी बिगाड़ चलता है मैंने यहाँ रोड पर, इस समय लखड़ा चलता है, लोग धमकी दिले बा पैसादार पार्टी वालों, तो माने पैसादार वालों तो क्यों रहे ना दिलो, राजू काजू और शशि और सब नाम हो लोग उसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा भाई पूरी तरह से निर्दोष है, उसको इस केस में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वो शुरू से ही बुशू मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी रहा है, यहाँ तक मतलब इस क्षेत्र में, इस एरिया में कोई भी कांड या कोई भी घटना होता है तो उसको इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसको ऐसा इसलिए किया जा रहा है, पुलिस तो कहीं ना कहीं दोषी पाती होगी तब ना की कर रही होगी, नहीं तो उसमें एक बार वो मतलब वो पटना बुशू में रहता था, वहाँ से वो आ रहा था तो रास्ते में एक बार रात हो गया तो वो अपने एक दोस्त के घर चला गया, वो नहीं जानता था वो किस टाइप का आदमी है किस टाइप का नहीं, उसके घर पे रुक गया, वो लड़का पहले से मतलब अपराधी प्रवृत्ति का था, उसके घर पे छापामारी हुआ जिसमें वो फरार हो गया और पुलिस इसको गिरफ्तार कर ली, और उसके बाद से उस पर आर्म्स एक्ट का केस लागू हो गया, उसके बाद से कहीं भी कुछ भी घटना होता है तो उसका नाम उसमें शामिल कर देती है पुलिस, बोलती है कि तुम जब तक हाजिर नहीं हो गए इस एरिया में चाहे इस क्षेत्र में कोई भी घटना होगा हम तुम्हारा नाम डालेंगे, यही सब मतलब ये बात है, और मतलब मेरा भाई पूरी तरह से निर्दोष, उसी तरह महाराजगंज में चार लोगों पे गोली चली थी जिसमें भी मेरा भाई सब यहाँ पे नहीं था, वो सब बेंगलोर में वहाँ पर था, दोनों भाई मेरे राहुल सिंह और रॉकी सिंह, जिसमें रॉकी सिंह को पुलिस वहाँ से गिरफ्तार कर ली और वो अभी फिलहाल कस्टडी में है 7-8 महीने से, और राहुल सिंह मतलब वहाँ पर नहीं पकड़े गए, और पुलिस उस वक्त का मेरे भाई सबके पास वीडियो भी है, हमारे पास भी वीडियो है कि वो सब उस वक्त निर्दोष था वहाँ पे, वो सब बुशू सीख रहा था, राहुल उस वक्त का वीडियो है उसके पास, तो वो उस वक्त ATM से पैसा निकाले हैं, मॉल में शॉपिंग किए हैं, मतलब बहुत सारे जो वहाँ पे आर्मी कैंपस है वहाँ का भी वीडियो है, और पुलिस उस केस में भी इसको नामजद कर दी है, यही सब तो उसको साजिश के तहत ही फंसाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम मैं मतलब नहीं जानती हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो मतलब इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से है और वो मतलब बहुत आगे बढ़ चुका था, वो लोगों को आँख से मतलब खलने लगा और उसको लोग फंसाते हैं इसमें।
तो आप जिले के वरीय अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगी? हम जिले के वरीय अधिकारी से यही मांग करना चाहेंगे कि मतलब जो एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनसे यही गुहार है कि मतलब मेरे भाई को न्याय मिले। जो मतलब इसमें सही गुनाहगार है उसको सज़ा मिले। अगर वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, अगर वो गुनाह किया है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस केस में हमारा यही कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। इसमें उसका कोई जो घटना घटी है 3:30 करीब जी, वो सिपाही जो था मेरे पास दवा खरीदने आया। हाँ। तो उसको हम दवा देने लगे। हाँ। पीछे मुड़ कर देखे तो सिपाही जैसे उबाज रहा था। आई बच्चा को गलत लोग फंसा रहे हैं। बच्चा कौन बाज रहा था? कौन बाज रहा था? वहाँ आसपास में जो भी दुकानें थी वहाँ फुटेज है सीसीटीवी का? हाँ। तो नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप मौका वारदात पे थे जी, तो आपने देखा कि वहाँ पे राहुल सिंह था कि नहीं? नहीं था राहुल सिंह, नहीं था, नहीं था। मेरे घर का मेरा छोटा भाई, हम कैसे कह देंगे जहाँ था? सिपाही किससे बाज रहा था? ओ, क्रिमिनल से बाज रहा था। कौन था क्रिमिनल? अभी हम थोड़े जानते हैं कौन था, अभी नहीं पहचानते। हाँ, तो पीछे मुड़ गए थे, दवा दे रहे थे उनको। अब देखे भी नहीं क्रिमिनल कौन था? कौन है नहीं देखे हम। कहीं वो राहुल सिंह ही हो। कैसे राहुल सिंह होगा? राहुल सिंह हमारे दुकान में जाइए। देखे नहीं है आप? हाँ, पीछे से देखे नहीं है? पीछे में भागते हुए देखे, राहुल सिंह नहीं था। अच्छा, मैंने भागते हुए आप देखे? हाँ, भागते हुए गली से भागा हूँ। तो मतलब आपको कंफर्म हो गया कि राहुल सिंह नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं है। साहब से भी बोले जो नहीं है। तो अगर राहुल सिंह अगर वहाँ पे होता तो अगल बगल के लोग तो इसको जानते हैं, पहचानते हैं, पहचानते होंगे ना? हाँ। तो बोलते ना कि राहुल सिंह था? हाँ। तो वहाँ पे कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा है, राहुल सिंह था ही नहीं। हाँ। तो आप दुकान चला रहे थे? हाँ, दुकान चला रहे थे हम। तो ये घटना 3:30 की? 3:30 की। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। अच्छा, दुकान किसी प्रशांत मेडिकल।